भगवान श्री कृष्ण की शरण में आओगे तो आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, आपका जैसा काम भाव है वो बदल जाएगा और इसके बदले जिसका भाव का आप अनुकूल कर पाओगे। भगवान ने कहा कि चार परिस्थितियों में भक्ति मेरी शरण में आते हैं, पर इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है जो कि ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आते। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सबसे उत्तम कोटि की भक्ति क्या है, वो है जबकि आप बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान की शरण में जुड़ते। इसी विचार को कृष्णदास काविराज जी भी प्रस्तुत करते हैं चेतन चरितमृता नाम के ग्रंथ में। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसमृता सिंधु की रचना की और कृष्णदास काविराज जी ने 90 साल की आयु में नित्यानंद जी की प्रेरणा के द्वारा चेतन चरितमृता नाम ग्रंथ की रचना की, जिसमें हम शास्त्रों की का सिद्धांत भी प्राप्त करते हैं और महाप्रभु जी की लीला और उपदेश के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आप चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। एक है चैतन्य भागवत जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की, एक और है चैतन्य मंगल जिनकी रचना लोचनदास ठाकुर ने की, और एक है चैतन्य चरितमृता जिसकी रचना कृष्णदास काविराज जी ने की। तो कृष्णदास काविराज जी कहते हैं इस चैतन्य चरितमृता में, और प्रभुपाद जी इस श्लोक का उपयोग कर रहे हैं तात्पर्य की समाप्ति में, वो कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शंता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशंता। तो चैतन्य चरितमृता में कहा जा रहा है कृष्ण भगवान के जो निष्काम भक्त हैं वो हर परिस्थिति में शांत रहेंगे, चाहे आप कठिन परिस्थिति में भी हो, चाहे आपको सुख भी हो। भक्त जो है अगर उसे अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त भी होती हैं उसे प्रभावित नहीं होता, वो जानता है ये अस्थाई है। तो अगर भगवान मुझे कोई सुविधा दे रहे हैं तो मुझे इसका उपयोग करने दो, किसके लिए, भगवान की सेवा में। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा अगर आप निष्काम भाव से सेवा में जुड़ोगे तो आपका मन सदा स्थिर रहेगा, विचलित नहीं रहेगा और आप सदा प्रसन्न भी रहोगे। और इसकी तुलना में आगे कहा गया है कृष्ण भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जिन्हें कर्मकांड चाहिए, कर्मकांड एक प्रकार का सौदा होता है भगवान के साथ, हम आपके लिए ये यज्ञ करेंगे, ये दान देंगे, तो इसके बदले में हमें क्या चाहिए, कुछ लाभ चाहिए। जैसे आप भौतिक व्यापार करते हो तो कर्मकांड एक प्रकार का व्यापार है पर भगवान के साथ, आप लोग भगवान व्यापार भी करते हैं। हाँ, आप उस भाव से जा भगवान गीता में कहते हैं ये यथम प्रपद्यन्ते, जिस भावना से कोई मेरे शरण में आएगा जितनी उसी भावना के अनुसार मैं उसे बुद्धि देता हूँ। फिर भक्ति मुक्ति, मुक्ति मतलब कि हमें मुक्ति चाहिए, वह भक्ति रसमृत सिंधु में कहा गया भक्त जो है मुक्ति की चिंता भी नहीं करता, भक्त के मन में केवल यह भावना रहती है कि मुझे भगवान के सेवा में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में शिव जी कहते हैं पार्वती से नारायण फला सर्वे नाग कुतशन भेव्यति स्वर्ग प्रवर्ग नर केशव अपितुल्यता दर्शना। पार्वती से कहते हैं कि आप वैष्णव को समझ नहीं पा रहे, वैष्णव जो हैं भगवान के सेवक ले नरक में जाने को भी तैयार हैं। तो भगवान कपिला देव कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनमें किसी प्रकार की मुक्ति की भी इच्छा नहीं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि उन्हें कहा जाता है जो कि अनेक प्रकार की योगिक सिद्धियां चाहते हैं। भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, आज के इस कलियुग में ये असंभव है, पर एक समय था कि आप इन योगिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकते थे। अने 8 प्रकार की सिद्धियों में एक सिद्धि है जिसका नाम है प्रपति सिद्धि। प्रपति सिद्धि के द्वारा
और एक स्थान में रहते हुए अपने हाथ को किधर भी पहुंचा सकते हो, और जो वस्तु वहां हो उसे उठा भी सकते हो। अच्छी स्थिति है ना। मतलब आप मान लो अपने घर में बैठे हो और जितने ज्वेलरी स्टोर हैं सबका सोना उठाना चाहो, या अपने हाथ को फैला सकते हो स्विट्जरलैंड के बैंकों तक, सब खजाना बैंकों का उठा सकते हो और कोई देखेगा भी नहीं। आज के युग में ये प्रति सिद्धि असंभव है। से अनीमा लगीमा, छोटे से छोटा बना। तो भक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि मतलब जिन्हें आठ प्रकार की योगिक सिद्धियां चाहिए, तो इन सब को कहा गया कामी। ये सब की भौतिक इच्छाएं हैं, इसके लिए अशांता। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता, ये जो दूसरे दिन की भौतिक इच्छाएं हैं उनका मन सदा अशांत रहे। वो जो निष्काम भाव से जुड़ेंगे उनका मन हर परिस्थिति में क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो इस श्लोक में मैत्रेय ऋषि जो कह रहे हैं कि प्रचेता पश्चिम दीक्षा की ओर जा रहे थे और उन्होंने ये बड़ा सुंदर जलाशय देखा जो बिल्कुल शांत था, तो आध्यात्मिकवादी का मन जो है शांत रहना चाहिए।